उन्हें भी मैंने कम दाना दिया था। बाकी ये पट्टे कुछ कल के भूखे हैं। जो चुटीदार मैं फ्रेंड्स कह रहा था, हैदराबादी चुटीदार, ये सुबह फ्रेंड्स बैठी हुई मिली थी छत पर ही। जैसे कि आप लोगों ने कल वीडियो में भी देखा था, मैंने आप लोगों से एक बात कही थी, मुझे बहुत विश्वास है अपने दरवाज़ों पे घर के। तो फ्रेंड्स ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स कल की जो वीडियो थी थोड़ी सी टेंशन भरी थी, और मैंने 31 जुलाई को अपना छत का जाल हटा दिया था और आप लोगों को शॉक भी कराया। पट्टे भाग गए थे फ्रेंड्स, 27-28 पट्टे भाग गए थे, धीरे धीरे करके पट्टे पूरे होने लगे थे। लेकिन फ्रेंड्स फिर बारिश एकदम से आ गई थी, तो 18 पट्टे फ्रेंड्स कम रहे थे, जिसमें एक पट्टे की मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो नीचे गिरा था फील्ड में, लेकिन वो मिला नहीं, तो मैं ये सोच रहा था वो मर चुका होगा। उसके अलावा फ्रेंड्स 17 पट्टे ऐसे थे जिनका मुझे पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब सुबह मैं छत पे आया 5:30 बजे, तो 4 पट्टे छत पे बैठे हुए मिले थे। मैं इत्तेफाक से उसकी वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं फ़ोन लेके नहीं आया था, छत पे बस देखने आया था। वैसे तो रात में 2-3 बार आ चुका था। सो फ्रेंड्स 4 तो सुबह ही आ गए थे। उसके बाद फ्रेंड्स 10 कबूतर और आ गए, यानी कि टोटल 14 कबूतर आ गए थे मेरे पास। अब 3 कबूतर फ्रेंड्स नहीं आए थे, तो मैं कबूतर खोल के चला गया था। मेरा दोस्त है संजय, उसने मुझे कॉल करके बताया था 1-2 बाज पट्टा तुम्हारी छत की तरफ गया है, वो तुम्हारी छत की तरफ बैठा है जाके। तो फ्रेंड्स उम्मीद है एक पट्टा और आ गया होगा, बाकी कबूतर मैं खुले छोड़ गया था। आइए चलते हैं छत पे और देखते हैं टोटल कितने पट्टे आ गए हैं अभी तक। मैं मान के चलूँगा 17 में से कितने आ गए, क्योंकि एक की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं है, वो मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, लेकिन 17 में से कितने आए। आइए चलते हैं देखते हैं छत पे चल के कितने कबूतर आ गए। आइए फ्रेंड्स आप लोग कबूतर खुले हुए, देखता हूँ कौन सा पट्टा वापस आया है। जैसे कि संजय ने बताया था मुझे फ़ोन करके कि एक पट्टा आके बैठा है घर पे। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों ने कल वीडियो में भी देखा था, मैंने आप लोगों से एक बात कही थी, मुझे बहुत विश्वास है अपने दरवाज़ों पे घर के। तो फ्रेंड्स ये देखिए आप लोग, आज पट्टा है जो मैंने वीडियो में कल दिखाया था ऊपर उड़ रहा था, और मैंने कहा था मुझे इन पर पूरा भरोसा है। आप देख सकते हैं 2 बाज पट्टा छत पर बैठा हुआ है। फ्रेंड्स एक ये पट्टा आया है लौट के, और फ्रेंड्स एक पट्टा आप बिना चूड़ी के देख सकते हैं, ये बैठा हुआ है हैदराबादी। फ्रेंड्स ये लौट के आया है। इसके अलावा फ्रेंड्स 1-2 बाज और लौट के आया है, वो ये बैठा है। यानी कि फ्रेंड्स 2 बाज मेरे तीनों आ गए हैं, तीनों के तीनों 2 बाज आ गए हैं फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था। और अब मैं इन्हें अलग भी नहीं करूँगा, मैं इन्हीं के साथ भड़ियों में लूँगा। आप देख सकते हैं 1-2 बाज ये बैठा है पट्टा, बिना कड़ी वाले जितने भी हैं फ्रेंड्स वो पट्टे हैं, क्योंकि मैंने कड़ियाँ पट्टों को नहीं पहनाई है। और एक ये बैठी है 2 बाजन हैदराबादी, और 1-2 बाज पट्टा वो बैठा है। फ्रेंड्स पूरे के पूरे कबूतर आ चुके हैं, सिर्फ एक कबूतर फ्रेंड्स कम रह गया है, और वो कबूतर है फ्रेंड्स लाल पिलका। फ्रेंड्स लाल पिलका, मुझे उम्मीद बहुत ये है कि वो कल सामने वाले फील्ड में गिर गया, और उसे या तो कुत्तों ने मारा है या बिल्ली मार गई उसे, मुझे पता नहीं चला। मैं गया था फील्ड में देखने, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो पता है उसे बिल्ली या कुत्ते मार गए हों, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न भी है जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो कबूतर मुझे दिखा ही नहीं। और फ्रेंड्स आप लोगों को दिखा दूँ, कुछ लोग कह रहे थे किस सैदी ने तुम्हारे कबूतर खोले, तो फ्रेंड्स वो सैदी के जो उड़ रहा है इस समय, ये रहे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इनने चालू कर लिए हैं अपने कबूतर, ये उड़ रहे हैं फ्रेंड्स, और ये सारे कबूतर चालू हैं इसके। फिलहाल फ्रेंड्स मेरी कोई जान पहचान नहीं है इनसे, नए आए हैं हमारे एरिया में। और फ्रेंड्स ऐसा होता है जो सुलैया का सुलैया है वो सैदी होता है, इसलिए फ्रेंड्स ये सैदी है, और मैं ज़्यादा जानना भी नहीं चाहता कौन है क्या है, फिलहाल सैदी हैं ये फ्रेंड्स। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं 3 पट्टे आ गए। मैं जो सोच रहा हूँ वो फ्रेंड्स ये सोच रहा हूँ, इनको कर लेता हूँ अंदर मादिनों को, और इन तीनों पट्टों को इधर साइड में बंद करके, और बाकी कबूतरों को फ्रेंड्स खोल लेता हूँ। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं आप, कबूतर मैंने खोल दिए हैं जो नर बंद थे। लेकिन फ्रेंड्स जो 2-2 बाज आए थे वो तो पकड़ लिए हैं, 2-2 बाज पकड़ लिए हैं 3 में से। एक ये नीचे बैठा हुआ है, और एक अंडा सर 2 बाज है फ्रेंड्स, 2 पकड़ लिए हैं। लेकिन 1-2 बाज हैदराबादी 2 बाज है, वो अंदर नहीं जा रही है, वो मादिन है, तो वो इन्हीं कबूतरों में खुली हुई है। और फ्रेंड्स थोड़ी देर इन्हें खुला रहने दूंगा, अंदर की सफाई करूँगा, पानी भरा हुआ रखा है, बाकी इनकी मर्ज़ी है, नहाना चाहे नहा सकते हैं। अभी थोड़े से भारी हैं फ्रेंड्स, इस वजह से बैठ रहे हैं। जैसे कि आपको पता है जाल मैंने कल हटाया था, और ओवरऑल फ्रेंड्स सारे कबूतर आ गए हैं। जो लोग खुश थे कि मेरे कबूतर चले गए, उनके लिए दुख भरी खबर है ये, और जो मेरे साथ थे जिनको अफसोस था कि मेरे कबूतर चले गए फ्रेंड्स, ये उनके लिए
खुशी की बात है कि मेरे सारे के सारे पट्टे पूरे हो गए, सिर्फ एक पट्टे को छोड़ के फ्रेंड्स। उसमें शिराजियों में का एक पिलका था फ्रेंड्स, ऐसा जो एक तरफ से गंडे लगा रहा था फ्रेंड्स, वो एक पट्टा ज़रूर कम हुआ है, बाकी सारे के सारे पट्टे पूरे हैं फ्रेंड्स। आप लोग देख सकते हैं, अभी आप लोगों को शॉक कराऊंगा, इनको भी खोलूंगा फ्रेंड्स, बाहर ही खोलूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फ्रेंड्स, कभी भी अगर आपके साथ ये सिचुएशन होती है तो घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो होना होगा वो होगा। आपने देखा होगा कल मैं वीडियो बनाता रहा, मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया, विशाल भाई ने ये बात नोट भी करी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप घबराएंगे ना तो आप कबूतरबाजी नहीं कर पाएंगे। कबूतरबाजी करना है तो आप ये सोच के करिए, जो कबूतर जाल से बाहर है वो मेरा है ही नहीं। जब कबूतर जाल के अंदर बंद होगा, सिर्फ वही कबूतर आपका उतनी देर के लिए आपका है, बाकी आपका नहीं है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, मैं सफाई कर लूँगा, उसके बाद इन कबूतरों को बढ़िया लगाता हूँ और आप लोगों को इनका शौक कराऊंगा फ्रेंड्स। कुछ तावे भी लगाऊंगा, अगर ये नहाना चाहते हैं तो नहा सकते हैं, पानी भरा हुआ रखा है तब तक। और अभी मेरे पास बहुत समय है, जैसे कि आज मैं थोड़ा जल्दी आ गया था, थोड़ी क्यूरियोसिटी थी कि जाके देखूँ कितने पट्टे आए नहीं आए, क्योंकि सुबह तक फ्रेंड्स 14 पट्टे आ चुके थे और 3 पट्टे रह गए थे, यानी कि 17 पट्टे थे टोटल। तो फ्रेंड्स, अब वो पूरे हो चुके हैं पट्टे सारे के सारे। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही है, कबूतर मैंने ये सब खोल दिए हैं और पट्टे अभी बंद हैं, पट्टों को इनके बाद खोलूँगा फ्रेंड्स आज, क्योंकि उसकी वजह ये थी, मादी ने मैं सब खोल गया था सुबह से, बस ये बंद नहीं हुआ है, वो ये बैठा हुआ है दोबाज। और भी मैंने आपको कल भी कहा था, अभी भी बताया था, मुझे अपने घर की दोबाजों की नस्ल पे बहुत भरोसा है फ्रेंड्स। ये बहुत ही बढ़िया दोबाज हैं फ्रेंड्स, मेरे जब भी निकले हैं ये पट्टे कभी गिरे नहीं, कभी खता नहीं करी इन पट्टों ने। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ, मैंने आपको एडवांस में कल बता दिया था कि ये दोबाजों पे मुझे बहुत भरोसा है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं जानता हूँ इनकी नस्ल बहुत अच्छी है, तो इससे मुझे कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। खुली भी है तो कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि वैसे भी कल के बाद आज लौट के आई है। और जैसे कि आप लोगों को कबूतर सब दिखाई दिए हैं, पहले लेके आया हूँ फ्रेंड्स इनके लिए चने और बाजरा, ये दोनों मिला के फ्रेंड्स 12 ग्राम है, 2 ग्राम के हिसाब से फ्रेंड्स चने हैं और 10 ग्राम के हिसाब से फ्रेंड्स बाजरा ले रखा है। और आप कबूतरों पे झल भी देख सकते हैं, अच्छी खासी झल है फ्रेंड्स। ये होते हैं उड़ते हुए कबूतरों का स्थिति, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बंद छत के कबूतर ना लें, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या, लोग कहते हैं कि ये कबूतर भारी हैं, उड़ेंगे, लेकिन फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मेरे कबूतर इतने ज़्यादा भारी होने के बाद भी तावा खा रहे हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कबूतर अगर उड़ता हुआ होगा तो भारी भी होगा तो तावा ज़रूर खा लेगा। बाकी मैं फ्रेंड्स इन्हें बढ़िया थोड़ी देर खिलाऊँगा। आ 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 आ। फ्रेंड्स इनको बढ़िया खिला के मैं बंद करूँगा और उसके बाद फ्रेंड्स पट्टे खोलूँगा, आप लोगों को पट्टों का भी शौक एक बार फिर से आज कराऊँगा। देखते हैं क्या होता है आज, कल की बात थी, कल की बात चली गई। और फ्रेंड्स बहुत अच्छा हुआ कि कल बारिश हो गई, अगर बारिश नहीं होती हो सकता है जो मेरे 17 पट्टे वापस आए हैं ये भी ना आते फ्रेंड्स, क्योंकि बारिश की वजह से जो पट्टा जहाँ बैठ गया था वो वहीं बैठा रहा रात भर, और सुबह होते ही वो घर वापसी आ गया। तो फ्रेंड्स, अब मैं इनको बढ़िया लगा लेता हूँ और आपको शौक कराऊंगा। उसके बाद बड़े वाले कबूतर चुंगा के बंद कर दिए हैं और खोलने जा रहा हूँ एक बार फिर से पट्टे। कल की स्थिति तो बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी, आप लोगों को पता ही है। लेकिन आज देखते हैं फ्रेंड्स इनका क्या रहता है, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आज भी मौसम खुला हुआ है। लेकिन एक चीज़ है फ्रेंड्स, आज मौसम थोड़ा सा गर्म है और कल ये एक बार खुल चुके हैं। और फ्रेंड्स, इसमें 17 पट्टे ऐसे हैं जो आज की तारीख में वापस आए हैं, यानी कि 31 तारीख के गए हुए और 1 अगस्त को वापस आए हैं। सो फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत इन पे भरोसा किया जा सकता है। फ्रेंड्स आप लोग देख रहे होंगे आज कुछ ज़्यादा झल्ले हैं, क्योंकि जो कल कबूतर बचे थे उन्हें भी मैंने कम दाना दिया था, बाकी ये पट्टे कुछ कल के भूखे हैं। जो चुटीदार में फ्रेंड्स कह रहा था, हैदराबादी चुटीदार, ये सुबह फ्रेंड्स बैठी हुई मिली थी छत पर ही। बाकी कबूतर सब पूरे हैं फ्रेंड्स, बस एक लाल पिलका, 5 थे फ्रेंड्स, 4 रह गए हैं, ये एक पिलका कम हो गया, शिराजी पिलका। अब ऊपर वाला ही जानता होगा वो जिंदा है या मर गया, क्योंकि फ्रेंड्स वो दिखा भी नहीं है मुझे। बाकी कबूतर तो मुझे दिख रहे थे, क्योंकि फ्रेंड्स बारिश बहुत तेज़ हो गई थी शाम के टाइम पे, आपको मैंने एक छोटी सी क्लिप लास्ट में दिखाई भी थी कि बारिश बहुत ही ज़्यादा तेज़ है फ्रेंड्स।
तो उसकी वजह से हो सकता है कि वो ज़िंदा हो या ना हो, भगवान मालिक है उसका फ्रेंड्स। बाकी आप लोगों को इनका शौक करा ही रहा हूँ। पट्टे हैं फ्रेंड्स, अभी तक भड़ी नहीं मारी है मैंने, क्योंकि जो मेरे पास चने हैं फ्रेंड्स, थोड़े से चने इन्हें खिला दूँ। लोग कुछ लोगों को ये भी लग रहा होगा ये गलत कर रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स मैं अत्याचार नहीं कर सकता अपने कबूतरों पर। भले ही कबूतर भाग जाए उसका मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मेरे यहाँ कबूतर भूखा नहीं रहना चाहिए। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कल के और आज की स्थितियाँ सब आपके सामने हैं। कल कुछ लोगों को बड़ा सुकून मिला था और कुछ लोग मेरी तरह परेशान भी रहे थे, लेकिन फ्रेंड्स मुझे माता रानी पे पूरा भरोसा था कि मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैं किसी के साथ फ्रेंड्स जल्दी बुरा करता नहीं हूँ। बुरा सिर्फ उसी के साथ करता हूँ जो मेरे साथ बुरा करता है फ्रेंड्स। तो मैं सब माता रानी के ऊपर छोड़ रखा था, इसलिए मेरे अंदर बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी कि क्या होगा। फ्रेंड्स मैं मानता हूँ अगर ऊपर वाले की निगाह सीधी नहीं होती तो जो 26-27 कबूतर गए थे इसमें से मुझे लगता है एक भी कबूतर वापस नहीं आता, क्योंकि आसपास कबूतर भी पले हुए हैं। और लेकिन फ्रेंड्स हुआ क्या था, कबूतर जाने के बाद तुरंत ही 10 मिनट के बाद बारिश, बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी फ्रेंड्स। तो मुझे उम्मीद कम थी और पूरी रात मैं यही दुआ मांगता रहा कि फ्रेंड्स बारिश ना हो, बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश होती तो इन कबूतरों के लिए जो रह गए थे छत पे नहीं आ पाए थे उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती फ्रेंड्स, वो छत नहीं पकड़ पाते। फ्रेंड्स ये देखिए इसके अंदर अभी भी इतनी बिजली बनी हुई है छोटी रात रात कल की भूखी है तब भी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब तो देखिए मैं डंडा भी इस्तेमाल कर ले रहा हूँ, क्योंकि कल पहला दिन था फ्रेंड्स और मुझे पहले से ही लग रहा था, मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था, मुझे पहले ही लग रहा था कुछ दिक्कत हो सकती है और वो हुआ भी था फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स खुशखबरी यही है कि सभी कबूतर आ गए हैं, सिर्फ एक पिलके को छोड़ के फ्रेंड्स, और उस पिलके का मुझे भी बड़ा अफसोस है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। मैंने पूरी कोशिश करी थी कि कबूतर नीचे ना गिरे, इस चक्कर में इन्हें भड़ियाँ भी दी थी और इनके अंदर इतनी चमक भी पैदा कर दी थी कि ये जल्दी कहीं ना बैठें। और फ्रेंड्स जैसे कि मैंने कल उड़ते ही कबूतरों को, मैंने दोवाज को उड़ते हुए यही कह दिया था मुझे दोवाजों पर बड़ा भरोसा है, तो फ्रेंड्स दोवाजों ने वो मेरा भरोसा भी पूरा रखा और सारे ही दोवाज एक एक करके सब वापस आ गए। और फ्रेंड्स आप लोग याद कर सकते हैं इन कबूतरों को। बाकी फ्रेंड्स इन्हें अब दाना चुगा के बंद कर दूंगा जल्दी में ही, क्योंकि इसके बाद पानी रख के मैं भी नीचे उतरूं। और आज थोड़ा सा तसल्ली मिली है फ्रेंड्स, कुछ लोगों को बेचैनी शुरू हो गई होगी, जैसे कि विशाल भाई कह रहे थे बोले ये क्या हुआ। तो फ्रेंड्स कबूतर पूरे आप जैसा देख सकते हैं, और सच बताऊं तो मुझे भी थोड़ी सी दिक्कत हुई थी कबूतरों को जांचने में, क्योंकि फ्रेंड्स ज़्यादातर हैदराबादी और दोबाज एक से हैं और सिर्फ गिनती से मैंने पता लगाया था कि कौन कौन से कबूतर कम है। मैंने दोबाजों की गिनती अलग कर रखी है, हैदराबादियों की गिनती अलग है फ्रेंड्स। तो उस गिनती में जब कबूतर कम आ रहे थे तो मुझे पता था कि कितने दोबाज कम हैं, कितने हैदराबादी कम हैं फ्रेंड्स इसमें। बाकी और कोई भी तरीका नहीं था जिससे मैं पता लगा सकूँ कितने कबूतर कम हैं फ्रेंड्स। बाकी आप लोग देख ही रहे हैं फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैं डंडे से इन्हें ऊपर भी हकाल रहा हूँ और इनके अंदर कल वाली चमक ख़त्म हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स अब इनको मैं दाना डाल के बंद करता हूँ, फिर आप लोगों से बात करूँगा। फ्रेंड्स इसके रस फुरफुराहट नहीं ख़त्म हुई अभी तक। फ्रेंड्स जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मेरे सारे ही पट्टे वापस आ चुके हैं, सिर्फ एक पिलके को छोड़ के फ्रेंड्स। फ्रेंड्स उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता ही नहीं वो गया कहाँ, नीचे गिरा था उसके बाद किधर गया, कुत्ते मार गए या बिल्ली ले गई, कुछ नहीं पता है फ्रेंड्स उसके बारे में मुझे, तो उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो 17 कबूतर थे वो 17 के 17 मेरे पूरे हो गए हैं और मैंने आप लोगों को शौक भी कराया। फ्रेंड्स कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आए तो कभी भी घबराइएगा मत और हमेशा भरोसा रखिएगा ऊपर वाले के ऊपर और अपने कबूतरों पर, दोनों पर भरोसा होना चाहिए, कबूतर कभी कहीं नहीं जाएगा।
आप लोगों को दिखा दूं फ्रेंड्स, पट्ठे अभी तक खुले हुए हैं, करीब करीब एक घंटे से ऊपर हो चुका है और एक भी पट्ठा कहीं नहीं भाग रहा है फ्रेंड्स, एक घंटे से ऊपर हो चुका है। बाकी फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स। और एक फ्रेंड्स बात और ज़रूर कहूँगा, अगर किसी भाई का भी शौक़ ख़राब होता है तो उसमें खुश मत हुआ करिए, वो आप लोगों के साथ भी हो सकता है, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा फ्रेंड्स। बाकी फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और मेरे चैनल AS पेट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।